नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार वार और पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें, तेजस्वी यादव लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अश्विनी कुमार चौबे ने एक बड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि जो खुद 10th तक पास नहीं कर पाया है वो क्या बिहार के लोगों को रोजगार देगा, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो साथ देते रहे हैं ऐसे ही लोग राजद और महागठबंधन के उम्मीदवार, और इसलिए जनता इनको सबक सिखाएगी। और जो लोग हिंसा और अपराध की बात करते हैं ऐसे लोगों को जनता कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती, उनको और नक्कार खाने में भेजने का काम करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार मुद्दों पे बात करें, जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज पे बात करें। अरे जिसको मुद्दा ही समझ में नहीं आता है, 10वां पास भी नहीं कर सका और वो व्यक्ति नीतीश कुमार जी को कोसने का काम करता है, जो अच्छे इंजीनियर रहे उनको कोसने का काम कर रहे हैं। उनको पता नहीं, वो कहते 10 लाख की नौकरी पहला कैबिनेट में दूंगा। वो अगर कैबिनेट का हिज्जा लगा दे तो मैं समझूंगा कि वो सही में अच्छा मतलब पढ़ा लिखा इंसान होगा। क्या बात करते हैं वो, कैबिनेट के पहला कलम। अरे उनको ये चाहिए कि पहला कलम से उनके पिताजी ने भ्रष्टाचार किया, पहला कलम से उसी छपरा में वहां कहा था कि 1 लाख रोज नौकरी देंगे और सबसे पैसा वसूल लिया और 1 लाख नौकरी। अभी भी आवेदन पर जाइए कलेक्ट्रेट में तो सड़ा हुआ फेंका हुआ मिलेगा आपको, और सारे लोग उनके घर पर और आंसर और आंदोलन करते थे मेरा पैसा लौटाओ। ये भ्रष्टाचार के कहानी लिखने वाले कांग्रेस और राजद के लोग कभी भी ये गप्पू और पप्पू, ये लप्पू, ये लफाजबाजी करेंगे, इसलिए गप्पू पप्पू लप्पू ये सबसे सावधान रहे। सुरजेवाला ने कहा है कि डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ, डॉक्टर की बहाली करेंगे, सिर्फ डिग्री देखने के बाद डॉक्टर की बहाली करेंगे। आप डॉक्टर की डिग्री दिखाए और डॉक्टर की नौकरी पाए। रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनको पता है कि डॉक्टर का डिग्री कैसे मिलता है, बस उनको जानकारी का बहुत अभाव है और पहले ट्रेनिंग ले लें। सर, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बीजेपी का जो कोविड वैक्सीन का प्रॉमिस था वो वायलेशन नहीं है पोल कोड का, काफी लोग इसको क्रिटिसाइज करते थे, क्या कहना चाहते हैं? क्या चीज, मतलब नहीं समझा। जो पोल कोड होता है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको वायलेट नहीं करता है जो बीजेपी का कोविड फ्री करने का था। सही बात है, हमने तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश और दुनिया को ये मालूम है कि आयुष्मान भारत हमने 5 लाख रुपया प्रत्येक गरीब के लिए देने का काम किया है और 50-55 करोड़ लोगों को हमने टारगेट बनाया है। आने वाले दिनों में और भी उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी प्रकार से अभी वैक्सीन जो बन रहा है हमारा तीसरे फेज का, कई वैक्सीन वहाँ तैयार होने की स्थिति में हो गया है और संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर सारे ट्रायल हमारे जो अभी तक ठीक जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है जब ठीक जाएगा तो हमने कहा है देश भर के लोगों को कि हम उसको मुफ्त में वैक्सीन देंगे। और यह बात भी सही है, मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री के नाते और पूरे विश्वास दिलाना चाहता हूँ बिहार वासियों, ये कोई लोभ नहीं है, ये जरूरत है कोरोना के लिए। कोरोना भागा नहीं, कोरोना भगाना है, देश बचाना है, बिहार बचाना है, तो अपनी सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है, बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम वैक्सीन बिहार वासियों को हर प्रत्येक महीने का 2 डोज जो होता है वो निश्चित रूप से मुफ्त में दिया जाएगा, पूरे देश को दिया जाएगा। और जो राज अच्छी अच्छा राज होगा, जो अच्छी सरकार होगी, सुयोग्य सरकार होगी, सुशासन की सरकार होगी, वही इसकी व्यवस्था अच्छी तरह कर सकता है, नहीं तो उसमें भी लूट कर लेगा। आपने देखा ना अभी आयुष्मान भारत में अभी कई राज्य हमारे साथ नहीं आए जबकि फ्री में दे रहे, गेम चेंजर का काम कर रहा। तो ये स्थिति इसलिए मैं कहता हूँ कि सुशासन की सरकार बनेगी तो हम वैक्सीन मुफ्त में बिहार में घर घर में बांटने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी जो अभी स्पीच दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलवामा में जो पॉलिटिक्स खेला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं। पुलवामा के अगेंस्ट जो पॉलिटिक्स हो रही है वो बिल्कुल गलत है, एंटी इंडिया एलिमेंट्स ऐसी बातें कर रहे हैं। सही कहा, प्रधानमंत्री जी का कहना वाजिब है, पुलवामा में जिस प्रकार का और उसको पूरे भारतीय लोगों को जिस प्रकार से उकसाने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से कल हमारे जम्मू कश्मीर कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों ने, वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस प्रकार से ये काम किया है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
और पूरी तरह से हमारी सरकार ने, हमारे सेना ने उनका जवाब भी दिया। हम घुस करके उसको दागने का काम किया है। आगे भी उन पाकिस्तानियों को हम कहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से अगर भारत के ऊपर एक भी निशाना किया तो 100 निशाना करके हम तुमको पाकिस्तान के नक्शा को भी दुनिया से मिटाने का काम करने का शक्ति हम रखते हैं, लेकिन हम अहिंसा का ऊपर विश्वास करने वाले होंगे। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।